वाह वाह, सर्दियों में ऐसी गर्मा गर्म उबलती हुई कड़क चाय पीने को मिल जाए तो बात ही क्या है। तो चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ कि पुणे जैसी तंदूरी मसाला चाय घर में कैसे बना सकते हैं। इस चाय का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, बिकॉज इसको बनाने के बाद हम क्ले पॉट में इसको डालेंगे, जिससे जो मिट्टी की सुगंध आती है ना चाय में, वाह वाह वाह, क्या मजेदार होती है। तो इसके साथ साथ मैं आपको सिखा रही हूँ कि मैं इंडियन मसाला टी कैसे बनाती हूँ अपनी मसाला चाय। तो मैं बता रही हूँ आपको कि मैं अपने घर में मसाला चाय कैसे बनाती हूँ। पानी उबाली है और मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा ताजा अदरक, तुलसी के पत्ते, छोटी इलायची, और मैं इसमें थोड़ी काली मिर्च भी डालती हूँ। आप चाहें तो इसमें दालचीनी, लौंग, सौंफ और स्टार एनीस भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसका भी फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है चाय में। तो इनको हल्का सा क्रश कर लीजिए, क्रश करने से इसका फ्लेवर और भी ज्यादा बढ़िया आता है। तो लीजिए, हमारा पानी उबल गया है, चम्मच भर के इसका डालिए और इसको थोड़ी देर उबालिए ताकि ये इसका फ्लेवर अच्छे से पानी में इन्फ्यूज हो जाए। तो चलिए अब हम डालेंगे इसमें चीनी और पत्ती, ये आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। तो मैंने 1 चम्मच डाली है चीनी और करीबन 1.5 चम्मच पत्ती डाली है। तो लीजिए, अब ये मेरी पत्ती अच्छे से उबल गया, मैंने इसमें डाला दूध। अब भी मैं पंजाबी हूँ तो थोड़ा दूध मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगता है चाय में, लेकिन आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें दूध डालिए। अगर आपको ज़्यादा दूध वाली चाय पीनी है तो ज़्यादा डालिए, कम पीनी है तो कम डालिए, और अगर और कड़क चाय पीनी है तो इसको और आप पत्ती डाल के उबालिए। अब मैं अपनी चाय को थोड़ी 2 4 5 मिनट उबालना पसंद करती हूँ, उससे इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है। मीन वाइल हमारा जो पॉट है वो भी अच्छे से गर्म हो गया, देखिए उसके एजेस बिल्कुल रेड हो गए हैं यहाँ से। तो उसको एक बार थोड़ा घुमा लेते हैं ताकि चारों तरफ से बढ़िया रेड हो जाए। इसको थोड़ा ध्यान से कीजिए, आपका हाथ ना जल जाए। तो लीजिए, हमारी चाय जो है वो उबलने वाली है बिल्कुल। इसे ऐसे चम्मच से हिलाते हिलाते उबालिए, इससे इसमें सारी चीजों का फ्लेवर भी अच्छे से आ जाएगा और पत्ती का जो पूरा रंग है और जो स्वाद है वो भी चाय में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो लीजिए, चाय हो गई है रेडी। मीनवाइल आप एक काम कीजिए, बहुत ही ध्यान से ये जो क्ले पॉट है इसको आप एक बड़े कटोरे में या डोंगे में रख लीजिए, और मैंने थाली में भी रख लिया ताकि छींटे ना पड़े। अब ये चाय को सीधा इसी में छानी है गर्मा गर्म। वाह, क्या इसके अंदर बुलबुले, और जो इसकी खुशबू आ रही है ना चाय की, जो मिट्टी की खुशबू आ रही है इस चाय में, जो ये एक स्मोकी फ्लेवर आ रहा है चाय में, उसका जवाब नहीं है। और देखो कितना गर्म है पॉट, जब मैंने दोबारा से इसमें और चाय डाली तो खुद एकदम से दोबारा अपने आप ही उफन जाएगी। वाह, कीजिए आपकी ये गर्मा गर्म तंदूरी चाय, और व्हाट वी कॉल एज इंडियन मसाला टी स्मोकी फ्लेवर इज रेडी। सो इसको अब आप ये जो कटोरे में आपकी चाय है उसके साथ मिक्स कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत बढ़िया फ्लेवर होगा। एंड वी डोंट वॉन्ट टू मिस ऑन द स्मोकी एंड मसाला फ्लेवर, सो लेट्स ट्रांसफर दिस टी इनटू ए कप। और मैं इसके साथ खाने वाली हूँ ये मजेदार, इसको बोलते हैं पंजाब में पीपे वाले बिस्किट, ये पहले पीपो में मिला करते थे। ये जो मैं पंजाब से लेके आई हूँ बिस्किट, ये गुड़ के बने हुए हैं और बहुत टेस्टी हैं। सो इंजॉय फ्रेंड्स, दिल्ली की सर्दी में मैं तो मजे ले रही हूँ तंदूरी मसाला चाय की। क्यों ना आप भी बनाओ इसको और अपना फीडबैक मुझे शेयर करो कि आपकी मसाला चाय कैसे बनी है। और देखते रहिए मेरा चैनल करछी क्वीन।